हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अभी जा रहा हूँ ताल तलब बोल के एक जगह है, यहाँ पर वहाँ पर भैंस का मांस मीट मिलता है, तो वही लेने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर डेली नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है संडे को, तो वो मेरा फेवरेट है। तो जाके आज लेके आऊँगा और बना के खाऊँगा, वो सब मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो बनी रहे मेरे वीडियो पर एंड तक। मैं अभी आ चुका हूँ, तो देखिए यहाँ पर भैंस का मांस कैसे बीज होता है वो भी आप लोग देख लो। हमारा हीरो ये हमारा यहाँ का जब तक ये रहेगा तब तक ही हम लोग को यहाँ पर खाना मिलेगा, तो इसके बाद पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मेरा फेवरेट मीट है, आठ बजे मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने भैंस का मांस भी ले लिया हूँ, तो अभी जाऊँगा घर तो उसको बना के खाऊँगा, तो वो भी आप लोग को दिखाऊँगा। 2 kg ले लिया हूँ भाई और मेरे बेटे के लिए, और थोड़ा बूढ़ी बोल रहा है वो भी ले लिया हूँ, वो भी बना के खाऊँगा। आज बहुत दिन हो गया ये खाए नहीं, बहुत दिन से तो आज मिला, तो बना के खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए यहाँ पर अभी भी भैंस का मांस लेने के लिए बहुत आदमी लोग आ गए, अभी तो और भी आएंगे। अभी ये तो सुबह का 7:30 बज गए, तो और भी थोड़ी देर बाद और भी यहाँ पर भीड़ हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ, और आप लोग को मैं थोड़ा रास्ता भी दिखाऊंगा। देखिए ऊपर फापड़ रास्ता होते होते आना पड़ता है आप लोग मुझे मीट लेने के लिए, यहाँ पर गाँव के अंदर में आना पड़ता है। मेरा घर से मोटामोटी 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। तो देखिए ये है रास्ता, ऐसे रास्ता होके ये आना पड़ता है मीट लेने के लिए। इतना दूर आके मिलता है, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पर नहीं मिलता है, कभी कभी संडे को काटता है ये जो भैया, तो ये ऐसे रास्ते होके आना पड़ता है। तो यहाँ से होते हुए जाएंगे तो अभी हाँ वहाँ दूर थोड़ा दूर जाने से हाईवे मिलेगा। फाइनली अभी मैं सौदा बाज़ार में आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे प्याज लेना है और चिकन, क्योंकि मेरा वाइफ और मेरा साथ मीट नहीं खाता है, तो इसीलिए यहाँ से मुझे प्याज और चिकन लेना है, उसके बाद जाऊँगा घर। बफ का मीट और ये है दाल, आज का लंच, और ये मेरा बेटा खा रहा है अभी। और बेटा बोल, टेस्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे बेटे को तो बहुत ही अच्छा लगा, को नाम दूंगा चिली बफेलो। और 10 out of 10? ना 10 out of 10। ओके थैंक यू। तो मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है, और मैं भी आज मैंने सेल मेरे हाथ से बनाए थे। बढ़िया। बढ़िया
दिल खुश हो गया। भाई कुछ हो रहा पीछे बस ना भाई को आज तो